फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि जन्माष्टमी पर आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल प्रसाद के लिए लड्डू। देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन रख के इसमें एक चम्मच देसी घी डाला है और ये धनिया पाउडर है। अगर आप चाहते हैं तो आप साबुत धनिया भी लेके आप भून सकते हैं, पर मैंने पाउडर लिया है। इसको भून लेंगे एकदम मीडियम टू स्लो के बीच में हम इसको भूनेंगे। इसमें घी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही घी डाल के हमको भूनना है क्योंकि घी ज़्यादा हो जाता है तो भूनते अच्छे से नहीं बनता है और इसमें घी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। जन्माष्टमी पे इसी धनिए की पंजीरी भी बनती है और इसको जब तक हमें भूनना है इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू खूब अच्छी सी आ जाएगी। खुशबू आनी शुरू हो गई है, बहुत फटाफट से ये बनता है। हल्का सा लाइट कलर चेंज हो जाएगा तो हम अपना गैस ऑफ करेंगे। खुशबू खूब अच्छी आने लगी है और कलर भी चेंज हो रहा है। और ये हमारा धनिया पाउडर खूब अच्छे से भुन गया। हम गैस कर देंगे ऑफ और इसको दो तीन बार ऐसे ही चलाते रहेंगे क्योंकि हमारा ये फ्राई पैन बहुत गर्म है ना, तो ये ज़्यादा ही वो हो जाएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा। अब हम इसको चला लिए, इसको हम किसी बर्तन में पलट लेंगे। इसको हम ऐसे ही पलट लेंगे। इसको हम थोड़ा सा चला रहे इसलिए ले रहे हैं, थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं इसको हल्का सा, क्योंकि अब इसमें चीनी का भूरा हमको मिलाना है तो गर्म रहेगा तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जो हमारा बहुत गर्म था थोड़ा हल्का हो गया, हल्का भी गर्म है पर एकदम ठंडा नहीं हुआ है, हल्का हल्का गर्म है। अब हम इसमें डाल देंगे भूरा। इसमें मैं ये भूरा डाल रही हूँ 4 चम्मच। चीनी पीसी हुई आप डाल सकते हो, पर पीसी हुई चीनी जो है हल्का सा भी गर्म होता है ना तो वो मेल्ट होने लगती है, तो ये अगर हल्का गर्म भी है, कभी काफ़ी गर्म है पर ये मेल्ट नहीं होता। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, ये खोवा मावा है, घर का बना हुआ है, हम इसको डालेंगे। अब ये खोए को हम मिला लेंगे सब। और मैंने इसको अच्छे से मिला लिया। अब हम बनाएंगे लड्डू, आपको छोटा बड़ा जैसे बनाना है आप वैसे बनाइए। और ये देखिए, ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए हमारे लड्डू एकदम से तैयार है। अब की बार श्री कृष्ण भगवान को आप ये लड्डू जरूर खिलाइए। अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।